गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इग्नोर दिस स्टफ। सो गाइस आप सबका मेरे चैनल पे बहुत 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 स्वागत है। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। टाइम हो चुका है 9:30 हो चुके हैं सुबह के, और जो नीचे का काम है लाइक हमारे नीचे जो भी क्लीनिंग का काम होता है वो सब मैंने कर लिया है। और अभी जस्ट ऊपर जो हमारा रूम वगैरह है उसका क्लीनिंग मैं करूँगी। और यहाँ पर बैठा है मेरा बेटा। हेलो अंशु, हेलो बोलो। नहीं बोल रहे हैं अंशु तो। चलो हम अपना क्लीनिंग का काम शुरू करते हैं और फटाफट से इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। लो जी अब हेलो बोलेगा मेरा बेटा। गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा। गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। तो मेरा बेटा अभी अभी उठा है। ओह सॉरी गिरने वाला था मेरा बेटा। चलो अभी आप नीचे चले जाओ बेटा और मैं करती हूँ क्लीनिंग का काम स्टार्ट। सो मेरे साथ देख लेना गाइस, ये बैठा है मेरा बेटा। और वो जो पीछे आप गठड़ी देख रहे हो, पोटली जो आप देख रहे हो, ये मैंने कल कपड़े निकाले हैं। बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो कि मुझे रखने हैं और कुछ ऐसे हैं जो मैं कि दे दूँगी। हमारे सामने एक लेडीज़ रहती है जिसके छोटे छोटे जो अंशु के कपड़े हैं वो उसके बच्चे को मैं दे दूँगी। बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। जो भी अंशु के पुराने कपड़े होते हैं मैं उनको डोनेट कर देती हूँ और वो अपने बेटे को पहना लेती हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का दिन। ब्लैंकेट फोल्ड कर दिए हैं। अभी मैं क्लीनिंग का काम करने वाली हूँ, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो ये देखो कहाँ चढ़ गया है, देख रहे हो, पूरी खिड़की पे चढ़ जाता है ये निकम्मा। इसको काफ़ी बार मना किया मैंने और ये गिर गया, तो इसे चोट बहुत लगने वाली है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसको पकड़ के अभी उतारती हूँ और उसके बाद क्लीनिंग का काम हम स्टार्ट करते हैं। आओ बेटा मैं उतर जाऊँगा। आराम से उतरना, आ जाओ जल्दी, आओ नीचे, रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ नीचे आओ। मेरा क्लीनिंग का काम हो चुका है और अभी अभी जस्ट मैं नहा करके आई हूँ। फटाफट से मैं तैयार हो जाऊंगी और तैयार होने के बाद क्या करने वाली हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आज मैं करने वाली हूँ और फर्स्ट टाइम ये चीज़ करने वाली हूँ। तो कैसा क्या बनेगा, कैसा क्या इसका रिजल्ट आएगा वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फटाफट से मैं तैयार हो जाती हूँ और तैयार होने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और फटाफट से चलते हैं हम किचन में। तो मैं यहाँ पे नीचे बैठी हुई थी, किचन में जाने के बाद हम बनाएंगे चीज़ चिली और कैसा बनने वाला है, कैसा वो अंशु खड़ा है। सो कैसा वो बनने वाला है मैं आप लोगों को बताऊंगी और उसका रिव्यू मैं दूंगी कि मैंने क्या खिचड़ी पकाई है, मतलब पनीर की मैंने खिचड़ी पका दी है या पनीर ही बना है वो मैं बताऊँगी आपको थोड़ी देर में। तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने पनीर निकाल लिया है और फटाफट से इसको कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद यहाँ पे मैंने मक्के का आटा भी खुद से ही बना लिया है। तो ये हमारे पास मक्का पड़ी हुई थी और उसी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया। तो यहाँ पे मैंने इसको पीस लिया था पहले से ही, तो ये सब तैयारियाँ करके मैं चली गई थी। तो फटाफट से और तैयारी कर लेते हैं जो जो हमें चाहिए है। सो यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है। यहाँ पे मैं हाफ़ पनीर यूज़ कर रही हूँ और हाफ़ मैं रख दूँगी क्योंकि ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले रही हूँ, हाफ़ मैं रखने वाली हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको ले लिया है और बड़े बड़े क्यूब्स में इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद मैं इसको कॉर्नफ्लावर में और चिली पाउडर में और सॉल्ट के अंदर इस तरह से डाल करके और कुछ देर के लिए रख दूँगी। देन उसके बाद इसको फ्राई करना है। सो ये पूरी रेसिपी मैं गाइस शेयर नहीं कर पाई, उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे कैमरे में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो जितना भी शूट हो चुका है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है और इस तरह से डाल के गाइस। तो यहाँ पे मैंने प्याज रेडी कर ली है और इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन कूट लिया है। और गाइस मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास कैप्सिकम अवेलेबल नहीं है तो मैं उसको स्किप कर रही हूँ। आप चाहो तो कट करके उसको भी डाल सकते हो। सो फटाफट से देख लो मैं इसको कैसे रेडी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने पैन ले लिया, पैन के अंदर मैंने ऑयल डाल लिया है। तो हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, तो डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पे लंच वगैरह रेडी करने के बाद मैं जाऊँगी विशाल मेगा मार्ट। सो उससे पहले मैं इसको रेडी कर लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन को कूट लिया है, उसके अलावा प्याज रखी है और ये सोया सॉस और उसकी विनेगर की बॉटल्स मैंने मंगवाई थी, नई कल ही मंगवाई हैं। सो इनको शैलो फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं हम लोग। देन इसके बाद इसको कैसे बनाना है वो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं ऑयल डालूंगी, उसके बाद अदरक लहसुन डालूंगी, उसके बाद प्याज डालूंगी और जितनी भी चीज़ें हैं वो डालने के बाद इसको पनीर को डालना है और हमारा पनीर जो है वो रेडी हो जाएगा।
ये हमारी चीज़ चिली तैयार है और आप देख सकते हो थोड़ी सी तो सेम लग रही है, बट इसका थोड़ा सा अलग होने का रीज़न ये है क्योंकि मैंने इसके अंदर घर वाला कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो गई है। सो आप जब भी करो तो बाज़ार वाला ही करो, और नेक्स्ट टाइम मैं भी बाज़ार वाला ही यूज़ करने वाली हूँ। सो ये हमारी चीज़ चिली है और ये थोड़ी सी सब्ज़ी है और ये हमारा दही है और हम कर रहे हैं हमारा लंच। सो यहाँ पे मैं आ गई हूँ विशाल मेगा मार्ट में और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किचन अप्लाइंसेस। सो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको किचन अप्लाइंसेस मिल जाएंगे विशाल मेगा मार्ट में। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छी सारी चीज़ें नए स्टॉक में भी आई हुई है। तो ये टोस्टर भी आप देख सकते हो 1420 रुपीज़ का है ये और बहुत ही अच्छा है, ऊषा का है और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये। और उसके बाद ब्लेंडर वगैरह, मिक्सर ग्राइंडर सब आपको यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट में मिल जाएंगे, तो प्राइस आपको स्क्रीन पर शो हो जाएंगे। और उसके अलावा गाइज आप फटाफट से विशाल मेगा मार्ट की टूर वीडियो जो है एंजॉय कर लो और मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। सो गाइज़ ये थी विशाल मेगा मार्ट की वीडियो और आज का व्लॉग। गाइज सॉरी गाइज मैं इसकी एंडिंग करना भूल गई थी, इसलिए एंडिंग अभी ऐसे ही कर रही हूँ। सो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइज। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइज। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।